दीबा पाटिल, वो नाम जिसने 5.5 दशकों की अपनी राजनीतिक जीवन में नवी मुंबई और आसपास के किसानों को उनके जमीन का मालिकाना हक दिलाया। नवी मुंबई, पनवेल और उरण परिसर में प्रकल्प ग्रस्तों को समृद्ध बनाने में दीबा पाटिल ने अपना सारा जीवन ही समर्पित कर दिया और उनके इसी बलिदान और योगदान को देख प्रकल्प ग्रस्त और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने नवी मुंबई में निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उनका नाम दिलाकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। मगर बावजूद कुछ व्यक्ति विशेष ये सोचते हैं कि आज के नेता सिर्फ दीबा पाटिल का नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, मगर आरोप करने वाले ये कैसे भूल गए कि इसी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोक नेता दीबा पाटिल का नाम दिलाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाने के अलावा व्यापक आंदोलन किए और फलस्वरूप शासन को आखिर झुकना पड़ा और एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम देने पर मोहर लगानी पड़ी। ऐसे में अपने लोक नेता स्वर्गीय दीबा पाटिल प्रति आदर और सम्मान की भावना रखने वाले नवी मुंबई के नेताओं की प्रकल्प ग्रस्तों के बीच बढ़ती लोकप्रियता कहीं कुछ व्यक्ति विशेषों का पेट दर्द का कारण तो नहीं, जिस वजह से वे तिलमिला बैठे हैं। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।